हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुबह आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं मेरे चैनल में। आज मैं दिखाने वाला हूँ एक होंडा एक्टिवा 4G की कलर स्कूलिंग कैसे चेंज करना है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो ये अपनी एक्टिवा 4G अपने इसमें डालना अपने कलच की पुलिस। चलिए देखते हैं, अपन डालते हैं इसमें। देखिए इसमें तीन पार्ट में आती है, में से तो पूरी कंप्लीट भी आती है, लेकिन अपने पास तीन पार्ट में है। अभी मैं बता देता हूँ तीन पार्ट में कैसे करते हैं। ये देखिए तीन पार्ट में, पहले कलच खोल लेते हैं अपन। कलच खोल लेते हैं सारा। अपने खुल चुके हैं सारे बोल्ट, लगी थी देखी अपने को खुलना हुआ इसका क्लच कटोरा। क्लच कटोरा होने खोलने के लिए क्लच का क्लच पाना आता है, क्लच केच कूलर वो लगाना होता है। 18-19 के पाने से खुलता है इस तरीके से। देखी ये खोल दिया अपन ने क्लच कटोरा जी। तो अपने को इसमें भाई कलच पुली डालना है, तो कलच शू खोलना पड़ता है इसके लिए। अपने वो एक कलच पुली इसकी ज़्यादा कट चुकी है इसमें। देखिए मैं बताता हूँ, अभी खोलता हूँ तब। नेट भी ख़राब हो चुका है उसका, सब कुछ ख़राब हुआ है, तो सब चेंज करेंगे अपन इसमें। ये देखिए खुल चुका अपना नेट। ये आ गई स्प्रिंग, बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए देखिए दिख रहा है भाई, कुछ इस तरीके से निकालना पड़ती है अपने को। फंसी जाती रहती है इसमें, जाम हो जाती है ना। इस चक्कर पूरी कट गई वो। चारों साइड से धीरे धीरे मार निकाल के छेनी से तरीके से निकाल सकते हैं अपन। ये देखिए कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जी। अरे गाइस, बासर उसके बाहर तक आ गए, चक्कर में ज़्यादा फंसी हुई हुआ यार ये। गाइस अपनी कलच पुली कट चुकी है, देखिए निकाल ली अपने कलच पुली। डालना है ये की तीन पार्ट में हो गई। इसके छर्रे वगैरह भी कट हुए, तो अपने को छर्रे वगैरह नए डालना है। नट भी नए डालना है इसमें, नया नट वगैरह। चले ले लेते हैं अपन नया नट वगैरह, वो कलच पुली खोलते हैं। देखिए आइए आ गए अपने बासर उसका नट, लाख जीवे नट कलच की पुली। तीन पार्ट में बता रहे हैं, जैसे कि मैंने तीन पार्टों में कैसे कसना है यही बता देता हूँ। उसका वासर देखिए, पहले तो अपने को इसमें ओरिंग लगा लेनी होगी। ओरिंग लगाने के बाद इसमें लगाना अपने कलच की पुली में। इसको होल देख रहे हैं, इसमें को अपने को एक वासर रिंग वासर और लाग डालना होती है इसमें कुछ इस तरीके से। पहले रिंग देखिए लग डाल ली अपन ने, लगा लेते जल्दी से। देखिए गाइस इतनी लाख हो जाए वो लग चुकी है। लगा ली ऐसे तीनों बिल्ले बैठा लेना है गाइस। की बासा डालिए, ये लाख डाली अपन ने, तीनों बैठ रही हैं अपनी। ये तीनों बैठा दिए अपन ने। अब इसमें अपने को लगाना होगा ग्रीस, तो ऐसे इसके साथ कंपनी का ग्रीस आया था, तो अपन ग्रीस लगा लेते हैं। ये गाइस ग्रीस लगाना ज़रूरी नहीं, फिर पुली पुली पड़े कट जाती है, फिर बाद में कट जाएगी, फिर आवाज़ करेगी, कलच में दिक्कत देती है।
ये देखिए अपने लगा ली पुली में ग्रीस, देखो अच्छी तरीके से लगा लीजिए, चला के देखते रहिए ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ग्रीस चारों साइड आ जाए अच्छे से। थोड़ा सा लगा दी ग्रीस, लग गया बासर लगा लेते हैं अपन जल्दी से। ये बिठा दी बासर, ये बैठ गया बासर, ये चला के देखना पहले अपने को। अब इसमें अपने को लगाना है कलस्सू, फिर से लगा लेते हैं अपन जल्दी से कलस्सू। देखिए लगाते हैं कलस्सू अपन, ये स्प्रे लगाना पहले अपने को, इसके बाद ये कलस्सू ये इस तरीके से दबा के कुछ नहीं। देखी नेट लगा लेना अपने को, ऐसे तो मशीन से कैसे लगे, मशीन से तो दिक्कत हो जाती है कितना टाइट करना उससे पता नहीं चलता, इसलिए पानी बताता हूँ। मंकी पिला सो किससे भी कैसा जाता है पकड़ के एक तरीके से, लूज नहीं रहे, लूज रहेगी तो फिर दिक्कत होती है गाड़ी खुल जाता है बाद में, बाद में जल्दी अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब इसके अपन को कलस्सू घिसना होते हैं, कलस्सू घिस लेते हैं अपन जल्दी से अच्छे से। रेतमाल सब परी है तो अच्छा रहता है, कब ले अपन वो मान लेते हैं कि कलश कटोरे पे भी मानना हो अपने को, रेतमाल वाइब्रेट पूरा ख़त्म हो जाता है इसमें, पहले जितनी धूल मिट्टी सब साफ करना उसकी, उसके बाद रेतमाल उठा के रेतमाल इस तरीके से साफ करेंगे तो आराम से साफ हो जाता है जल्दी। चिंगारी निकल रही है इसमें आया कि कलश को अपने को वापस फिट करना है, ये देखिए गाइस फिर से हो जाता है। अब इसको नट को लॉक कर लेते अपन, नट टाइट कर देते अपन इसको, फिर बाकी सही ऐसे केज को टाइट करना अपने को लगा के, ये इस तरीके से ये लॉक हो गया अपना नट। कल इसको फिट कर लेते हैं, ये किक को चेक कर लेते हैं किक, ये कलच अपना फिट हो रहा है, ये देखिए हो गया क्लच फिट। बोल्ट लगा लेते हैं, बोल्ट लगा के कस लेते हैं अपन इसको जल्दी से, ये देखिए अपने लगा लिए सारे बोल्ट जल्दी से, आठ की टामी से कस लेते हैं। ये हो गया अपना क्लच फिट गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और आगे जाके शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ना।
तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।